मैं तो दो चार बच्चों को सोच रहा था कि वो दो चार बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये तो इधर सारे लाइन लग गई है। तुम बताओ तुम्हें आता है या नहीं? तुम भी तुक्के ही मारते? तो ये क्या हल चला रहे थे? यहां देखो, फोकस यहां करो बेटा। न्यू फोल्डर बनाया, मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्डिंग करके सेव करना। देखो कैमरा है यार, ये नूरुल अपने पास रखो, अभी मैं एक्टिंग करूंगा उसके बाद, ठीक है? चलो हो गया, अब रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग पहले ऑन करेगा या मेरी एक्टिंग के बाद ऑन करेगा? पहले ऑन रिकॉर्डिंग और बाद में एक्टिंग होगी। अब मसला यह है कि एक्टिंग के अंदर जैसे टाइम लग रहा है, टेक्स्ट लिखने में टाइम लगता है, तो मैं एक काम करूंगा, कुछ टेक्स्ट पहले से बना के रखूंगा, उसको सिलेक्ट करके कट कर लूंगा। बच्चे सिलेक्ट करके छोड़ते, कट कर दूंगा, पेज खाली हो जाएगा। रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा, पूरा टेक्स्ट आके रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, मेरा डेटा सेफ हो गया। अब जब रिकॉर्डिंग में क्या आया कि खाली पेज था, जैसे ही उस पर डेटा आ गया, तो अब जब मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा तो क्या होगा, रिजल्ट में वही चीज दे रहा होगा। वो यही काम करना था आपने, इक्वल्स टू आर एन डी रैंडम जैसे लिखता हूं। अभी मैं ये नहीं करता, मैं सीधा रिकॉर्डिंग पे जाता हूं, रैंडम यहीं पे बन, रैंडम पैराग्राफ तो मैं किसी टाइम भी बना सकता हूं ना। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई होती उसको कट पेस्ट करता, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, देखो मैं लिख देता हूं हेलो क्लास, ये इसको सेव करना है, पहले मैंने लिया जैसे। अब कट क्यों कर रहा हूं, ये छोटा सा, अगर बड़ा काम होता उसको कट किया जाता है। कट किया, अपने पास सेव किया, यहां आया मैं व्यू पे, मैक्रोस पे, रिकॉर्डिंग पर आया, उसने कहा नाम बताओ, मैंने कहा हेलो, हेलो के नाम से ये सेव कर रहा हूं बिल्कुल। बटन बताओ, अल्ट कंट्रोल के साथ कोई बटन सेव नहीं होता, आप अल्ट कंट्रोल यूज क्या करो, अल्ट और कंट्रोल उसके दबा, मैं एच दबा देता हूं। अच्छा ये यूज हुआ हुआ है हाईलाइट के साथ, तो कंट्रोल अल्ट एच करो, ये भी यूज हुआ हुआ है। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट यूज कर लेता हूं, एच नाउ अनअसाइन। देखो नंबर बच्चे लिख देते अपनी तरफ से कुछ भी, दो चार और रोकेगा भाई, पहले चेक करो यहां लिखा हुआ आना चाहिए अनअसाइन। कल इस पे पूरी तकरीर की है, उसके बाद भी आपको पता ही नहीं है, चेक ही नहीं कर रहे, ठक करके ओके कर देते हैं भाई, क्यों लगे हुए पागलों की तरह। पहले ये वाला काम करो, यहां अनअसाइन लिखा हुआ है, जब आ गया अनअसाइन उसके बाद कर दो असाइन, हो गया असाइन, हो गया। देखो असाइन पे क्लिक किया, यहां से की उठकर आ जाएगा, ये रहा, और इसको कर दो क्लोज्ड। रिकॉर्डिंग हो रही है, कंट्रोल वी किया, आ गया यहां, जाओ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। क्या शॉर्टकट रखा था मैंने अभी, एच, खत्म बात, चल गया। और मसला है तो भाई यहां से नहीं चल रहा, तो आप इधर जाओ, व्यू पे जाओ, और ये रहा, ठीक है, ये जैसे ये दिए हुए यहां पर, रन करो, ये चीज रन हो गई। अब ये एक और बच्चे ने किया हुआ, इसको चलाता हूँ, व्यू पे जाता हूँ। अब्दुल रजाक ने क्या दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली। यहाँ पर आ जाओ, एक और बच्चा, इसने क्या दिया हुआ, एप्लीकेशन किसी ने दिए हुए, ये मैक्रो 1-2 के नाम से, ये मैक्रो 1-2 के नाम से दिया हुआ। देखो एरर, ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है, इसने बताया भाई सेम की आपने यूज की हुई है जो पहले। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज एरर सेट करने के लिए मुझे इसको सबको डिलीट करना पड़ेगा, ये सारे मैक्रोज में यहां से डिलीट कर दूंगा। क्या चीज, अगर खाली मैक्रोज यानी कि नाम से बस क्रिएट करके छोड़ देना, आप यूज नहीं कर रहे तो, लेकिन जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तभी बना के छोड़ो, फालतू बना के नहीं छोड़ो। देखो क्रिएट पे सिर्फ और सिर्फ पूछता है क्रिएट प्रोजेक्ट आइटम्स नेम इज इनवैलिड, कोई नाम दो इधर, क्रिएट करके छोड़ दो, बाद में उसको यूज करो, ठीक है? तो ये लंबा खाता हो जाता है, हम आसान काम यही करते हैं कि सिंपल। इसको भी हटाओ, डिलीट करो, ये भी हटाओ, डिलीट करो, मैंने एप्लीकेशन थी, रन करता हूँ, एप्लीकेशन में भी ये सेव किया हुआ मैंने, क्या यहाँ आता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, एप्लीकेशन को रन करता हूँ, अच्छा यही सेव किया हुआ एप्लीकेशन के नाम से भी, ये मैंने कल दिखाया था बच्चों को, वो सेव कर दिया, ठीक है? ये भी डिलीट किया मैंने, ये हटा दिया, ठीक है भाई? तो मैक्रोस के अंदर ये इतनी सी चीज़ है, अभी तो सिर्फ मैक्रोस दिया है, रेफरेंसेस तो टेस्ट ही नहीं दिया। अभी बुक मार्क रेफरेंस वगैरह दे दूँ, इधर क्लिक करूँ, वहाँ चला जाऊँ, वहाँ क्लिक करूँ, यहाँ आ जाऊँ, तुम तो शक्लें देखते रह जाओगे। तैयारी करके रखो भाई, किसी दिन भी रगड़ा दे दूंगा मैं। यहाँ आओ, अब आओ थोड़ा मेलिंग पे ऊपर। हाँ, टू मिस्टर एम आर, मिस्टर टू मिस्टर, एक ये आ गया,
टू मिस्टर, ठीक है ये नाम दे दिया मैंने, या एक मिनट, टू मिस्टर नहीं होता, यहाँ पर टू करके आगे एम आर डॉट खाली छोड़ दूँगा, एम आर डॉट, ये एक तो ये हो गया टू मिस्टर, और इसको कैपिटल करता हूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका, और इसी के साथ एड्रेस भी डाल देता हूँ, सॉरी कॉन्टैक्ट, इसी के साथ ईमेल, और इसी के साथ कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल हो गया, और क्या चीज़ हो सकती है, एड्रेस, ठीक है यहाँ आ जाओ, इस इक्वल्स टू, और सॉरी यहाँ से सब्जेक्ट लिख देता हूँ, जो भी है फलाना सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, टू अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आर ए एन डी रैंडम परफेक्ट हो गया, दो रैंडम पैराग्राफ, और एफ आर ओ एम फ्रॉम अगर एक ही इदारा है तो नाम डायरेक्ट लिख दो, नहीं है तो यहां दो तीन इदारे हो सकते हैं तो दो तीन इदारों का नाम होगा, परफेक्ट, बात समझ आ गई, क्लियर है यहां पे, ठीक है भाई, अब यहां बिलफर फ्रॉम लिख देता हूं सुफा या फिलाना, अब ये लेटर मैंने बना दिया परफेक्ट है, इसको मैक्रोज में सेव कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं मैक्रोज में, अब ये इसको सेव करना है ना पैटर्न को, कंट्रोल ए किया, एक्स किया कट, यहां आया और यहां आया रिकॉर्ड पे, अपॉइंटमेंट, ठीक है ये किया, और ये आने के बाद अल कंट्रोल ए पी, ए पी कर दिया, अल कंट्रोल ए पी कर दिया, ठीक है, और ये देखना पड़ेगा ए है या पी खाली है, अल कंट्रोल पी करता हूँ, व्यू पेज है, अल कंट्रोल ए करता हूँ, ए किसी को आसान नहीं होगा, तो ए अल्ट कंट्रोल ए कर देता हूँ मैं अपॉइंटमेंट के लिए, सही है, अल्ट कंट्रोल ए मारूंगा ये मिल जाएगा, असाइन क्लोज्ड, कंट्रोल वी हेयर हो गया, और यहाँ आने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग परफेक्ट, इसको बंद किया, इसको भी कर दिया बंद, डू नॉट सेव, आर विनवर्ड अल्ट कंट्रोल, अरे अल्ट कंट्रोल ए आ गया, जबरदस्त हो गया ये काम, अब यहां तक तो बात समझ आ गई ये चीज, अब ये लेटर जब लेटर चाहिए होगा फटाफट अल्ट कंट्रोल मारेंगे, मैक्रोज वाला काम खत्म, अब अगला टास्क ये है कि मुझे ये लेटर सेंड करना है, मेरे पास 5000 लोगों ने अप्लाई किया था, 5000 लोगों ने अप्लाई किया था, 5000 लोगों की लिस्ट जब शुरू में बनाई थी, 5000 की मैंने एक दफा लिस्ट बना दी थी, सब 5000 है, मिल गया मेरे पास एक वन टाइम, तो लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, आपने तैयार कर लिया, क्यूआर कोड बना दिया या एक्सेल से कहीं से डेटा उठा लिया, आपने चला दिया डेटा, अब अपॉइंटमेंट लेटर छापना है कितने बंदों का, 5000 का, तो मैं क्या करता हूं बारी बारी सबका नाम लिखता हूं, यहां लिखता हूं मिस्टर बिलाल, फिर यहां लिखता हूं कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल बिलाल @gmail.com, और एड्रेस बिलफर ये लिख देता हूँ सीधा बल्दिया टाउन, और अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम बिलफर पुलिस ट्रेनिंग कर देता हूँ, पुलिस सिंध पुलिस कर देता हूँ, बिलफर सिंध पुलिस, ठीक है ये हो गया बेहतरीन करके, कोई मसला है, अब क्या है, अब एक और लेटर चाहिए, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज ले आऊँ, इंटर करूँ यहाँ पे दोबारा, और यहाँ पे दोबारा से वही लेटर ले आऊँ, या इसी को कॉपी पेस्ट मारूँ, ऐसा ही करूँगा ना मैं, अल कंट्रोल ए था ये आ गया, इसको फिर यहाँ दूसरे का नाम लिखूँ, तीसरे का लिखूँ, तो ऐसे 5000 का बस नाम लिखना है, बाकी तो आसान है ना, कैसा रहेगा, आसान है या मुश्किल है, अब क्या करें, इसके लिए फिर मैं मेल्स का यूज करता हूँ, मेल मर्जिंग वाला काम, यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद सिलेक्ट पर जाओ, किस पर, और टाइप अ न्यू लिस्ट लिखा है या यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है हम तो जब हमारे पास जब हमने फर्स्ट टाइम डेटा लिया होगा, अब 50 ये तो चलो अपॉइंटमेंट लेटर बना दिया मैंने, नाम लिख दिया, एक और बंदा है यार 200 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं या 500 हैं, उनका रेजिग्नेशन भी बनाना है,
अब उसी के अंदर से रेजिग्नेशन भी बनाना है, 300-400 का घर बनाना है, पागल हो जाएंगे हम तो, अब नाम ही लिखते रह जाएंगे। इससे जान छुड़ाने के लिए फिर क्या करते हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। हमारे पास फिलहाल तो कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट बनी भी नहीं, अभी हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वन टाइम तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, आप यहाँ आए टाइप अ न्यू लिस्ट पे, बोल रहे क्या क्या चीजें आपने रखनी है, देखो ये दे रहा है क्या क्या कॉलम है। कस्टमाइज कॉलम पे जाओ, मैं बोलता हूँ ये सब नहीं चाहिए। नेम होगा सीधा सीधा, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, रीनेम करके सिर्फ कर देता हूँ नेम उस बंदे का, मिस्टर था वो, और दूसरा क्या क्या रखा था मैंने, यहाँ से देखता जाता हूँ। नेम था, कॉन्टैक्ट था, कॉलम पे आया एक नेम का कॉलम है, नेम का रहेगा, लास्ट नेम हटा देता हूँ। कॉलम कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, एक मिनट, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच कॉलम चाहिए, बाकी सब हटा देता हूँ। ईमेल एड्रेस चलो लिखा हुआ है, ये भी हटा दो, यस, ये भी हटा दो, यस, ये भी हटा दो, यस, एड्रेस एक चाहिए, ये हटा दो, ठीक है। कंपनी नेम ये भी रहने दो, कंपनी नेम उठा के इधर कर दो, अच्छा ये तो बाद में कर लूँगा मैं सेट। एड्रेस, एड्रेस चाहिए, ठीक है, सिटी चाहिए, जिप कोड नहीं चाहिए, कितने कॉलम हो गए, नाम, और इसको रीनेम करके कर देता हूँ, सिर्फ नाम आ गया एक, और क्या क्या चाहिए भाई बोलो ना, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एड्रेस हो गया, इसको कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हो गया, और ईमेल एड्रेस हो गया, सिटी हो गई, एड्रेस टू लिखा है, इसको खाली कर देता हूँ एड्रेस्ड, ठीक है, ओके किया, और यहाँ से कर दिया नेम, ओके सिटी, भाई वो रहा ना एड्रेस के लिए मैंने डायरेक्ट सिटी, अच्छा सिटी एड्रेस हटा के सिर्फ सिटी कर देता हूँ, ठीक है, एड्रेस कर देता हूँ, चलो सिटी हटा देता हूँ, मैंने एक ज़्यादा रख दिया, मैं एड्रेस जहन में चल रहा था, ओके कर दिया, ठीक है। कंपनी नेम तो है, नीचे लिख देंगे, चलो कंपनी नेम अगर नहीं रखना चाहते तो नहीं रखो, वरना एक दो बना सकते हैं हम अलग अलग, ठीक है, हर बंदे के हिसाब से उसका कंपनी नेम आ जाएगा, ठीक है। कुछ ने पुलिस में अप्लाई किया तो पुलिस के हिसाब से आएगा, कुछ ने किस में अप्लाई किया तो उस इदारे के, जिस इदारे की तरफ से गया है वहाँ पर, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, चलो पुलिस की तरफ से छोड़ के मैं बोल देता हूँ दो इदारे, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन और दूसरा BMJ, सुफा और BMJ का नाम ले, पहले बच्चों के जल्दी जल्दी नाम देना है, एक बच्चा ले लेता हूँ मैं बिलाल, और कंपनी नेम कर दिया BMJ, और यहाँ पे एड्रेस कर दिया बल्दिया टाउन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्या करना है भाई, 03 ठक ठक ठक, सही है बहुत है, और ईमेल में bilal@gmail, ठीक है बस हो गया, ओके अभी हमें इतना मतलब नहीं है, bilal@gmail.com, ठीक है एक हो गया। अब एक और न्यू एंट्री बनाओ, यहाँ पे बना देता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, नूर, नूर बना दिया, और ये है सुफा, सुफा, और ये है औरंगी, ठीक है, और ये इसका नंबर आ गया, और यहाँ पर आ गया noor@gmail.com, ठीक है। तीसरा टेप मारा, टेप से भी नीचे आ जाता है टेप, तीसरा बच्चा ले लेता हूँ मैं, क्या नाम है भाई, अहमद, AHMED, अहमद, अहमद, और यहाँ से ये इसको आएगा सुफा की तरफ से मेल, और ये रहता है, और इसको भी सुफा करूँ भाई, ये रहता है, ले लेते हैं इसको, परेशान चौक से आया ये, ठीक है, और ये इसका ठक ठक करके नंबर है, सही है, और है ahmed@gmail.com। फिर यहाँ पर आया लास्ट दो वाले, एक और बच्चे का ले लेता हूँ, ये है सुभान, सुभान शाह, और आ गया BMJ की तरफ से इसको जाएगा, और ये रहता है फ़कीर कॉलोनी, ठीक है, और ये नंबर आ गया, ठीक है भाई, और अहमद के बाद क्या ये subhan@gmail.com, ये करके हो गया। अब इसको लिस्ट को कर दो, ओके लिस्ट तैयार हो गई, मस्त। पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, लिस्ट को कहीं भी सेव कर लो, ये लिस्ट सेफ जगह पे सेव कर लो ताकि डिलीट ना हो, डॉक्यूमेंट में कर लो, डेस्कटॉप पे कर लो, स्टूडेंट लिस्ट, लिस्ट सेव कर दिया, मस्त हो गया काम, बेहतरीन चल रहा है सब कुछ। अब ये लेटर वेटर आ गया, अब नाम नहीं है मेरे पास भाई, मैंने सबके नाम का छपवाना है, बिलफर ये भी नहीं है, और यहाँ तो पहले आता हूँ, यहाँ मिस्टर, मिस्टर की जगह ऐड करना है, इंसर्ट फील्ड पे आओ, यहाँ नाम आना चाहिए, नाम आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, ईमेल, तो ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए, एड्रेस, तो एड्रेस आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, किस कंपनी की तरफ से, कंपनी नेम आ गया, बेहतरीन हो गया, समझे बात, आ गई समझ,
रिजल्ट आ गया मेरे पास। हाय, अब क्या करना है, अब इसको फाइनल करना है। मैं इसको करता हूँ यहाँ इंडिविजुअल एडिट पर आ जाओ, प्रिंट पे नहीं करना, यहाँ एडिट किया मोरे कितने पेज, करंट पेज फ्रॉम ऑल करो ऑल। लो भाई सबके नाम छप के आ गए, बिलाल बिलाल यही था, बिलाल का एड्रेस से था, बल्दिया टाउन से था और बीएमजे ने इसको मैसेज किया, नूर इसका ये नंबर, नूर का ईमेल और ये आ गया, सुफा इसको सुफा की तरफ से, सब कुछ सेम जैसे जैसे जिस बंदे का जो डेटा सेव किया आपने उस बंदे का वही डेटा आएगा यहाँ पे। देखो बिलाल का यही डेटा सेव किया था ना भाई तुम लोगों ने, ऐसा ही था ना, हमने यही डेटा सेव किया था, बिलाल का जो डेटा सेव किया था, देखो बिलाल का डेटा यही है, नाम और ये फिलाना, और इधर देखो इसका यही किया था, नूर को हमने कहा था सुफा से मैसेज आएगा, सुफा से आया, इसको हमने कहा था इसके अहमद को सुफा से, ये देखो ये सबका लेटर वन टाइम में प्रिंट हो गया भाई। यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, सुफा वाला भेजता है, मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ, मेरा मकसद ये थोड़ी है जीमेल बताना, मेरा मकसद आपके लिए ये कि 100-200 बंदे की भी लिस्ट है, आप वन क्लिक के ऊपर सब पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी लिस्ट होना तो जाहिर सी बात है जरूरी है ना, वरना आप लिस्ट बनाओगे वन टाइम, तो जब भी कोई डेटा आता है लिस्ट आती है, ये बैकएंड बना हुआ होता है, देखो कंपनीज बना के दे देती हैं भाई, डेटा आता जाएगा लिस्ट खुद ब खुद बनती जाएगी, एक्सेल के अंदर बन जाती है, अब ढेर लिस्ट पूरी हो गई लिस्ट सेलेक्ट करो वहां से चल जाएगी। अब अगर नई दफा मुझे करना है फिर मुझे करने की जरूरत नहीं, अब एग्जिस्टिंग लिस्ट है मेरे पास, यहां आऊं ना रिव्यू और ये था मेलिंग पे, अब नेक्स्ट टाइम आओ तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है मेरे पास, अब दोबारा इनकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इन बच्चों के लिए स्टूडेंट लिस्ट के नाम से ये रहा, अब मैं ये स्टूडेंट लिस्ट को यूज कर सकता हूं मैं, अब मुझे दोबारा ये लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बात समझ आई। अब दोबारा अगर नए सिरे से मैं एक काम करता हूं सब मिटा देता हूं, ठीक है, और नए सिरे से अगर मैं बनाता हूं, क्या था वो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए था, क्या बनाया था, अल्ट कंट्रोल ए था निकम्मो, चलो अभी मैं सब मिटा देता हूं सीधा सीधा, ये सब एक लाइन में इसको ले आता हूं, ये रहा। अब बस यहां सिर्फ नाम वाम चाहिए, डेटा अब चाहिए ना, अब दोबारा यहां रीड रिसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, एक दफा बन गई यूज एग्जिस्टिंग, अब कोई और भी हो यहां आओ डिस्प्ले में और यहां क्लिक करो ये और ओके कर दो, लिस्ट एक्सेप्ट हो गई, अब ये फंक्शन यूज में आ गए, यहां आओ नेम लगाओ, यहां आओ और कॉन्टैक्ट लगा दो, यहाँ आओ वो ईमेल एड्रेस, नीचे आ जाओ एड्रेस और यहाँ नीचे आ जाओ कंपनी नेम, ठीक है हो गया। ये करने के बाद जब फाइनल हो जाए तो अच्छा, वैसे ये हो गया, अभी हम यहाँ पर आता हूँ मैं, फाइंड रिसिप्ट और चेक फॉर एरर्स कंप्लीट और पॉजिंग, ये रहा दिखा, देखो इसने नए पेज पे चेक भी करा दिया एरर के लिए, अगर आपको ओके लगा भाई ये ओके है बिल्कुल, इसको फाइनल कर दो, फाइनल पे आओ, फिनिश एडिट दिया हुआ ऑल ओके कर दो, सारे पेज प्रिंट करने हैं भाई, ऑल पेज प्रिंट करने, हर पेज पे देखो नया बंदे का कार्ड है, हर पेज पे नए बंदे का कार्ड है, ताकि आप जितने कार्ड प्रिंट कराना चाहो इजीली आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो देखो हर इस अहमद का भी बना दिया, हम सब का बना दिया, कितने स्टूडेंट है, चार है, तो चारों का डेटा ये रहा, चारों का लेटर तैयार है, सिर्फ प्रिंट कराओ प्रिंटर से, एक दफा क्लिक मारो प्रिंटर सारे प्रिंट कर देगा, इजी हो गया। अब जाए पांच हो या 5000 हो, इसी तरह जब आप लोग डेटा इंटर करते हैं ना तो डेटा उनके पास चला जाता है, जब उनको लेटर बनाना है लेटर लिख दिया वहीं से डेटा, ये नाम डाला उसी लिस्ट को सिलेक्ट किया ओके किया, 5000 है तो 5000 के लेटर छप गए, अब ये थोड़ी 5000 का एक एक बंदे का नाम बैठ के लिखते रहेंगे वो लोग, इसीलिए वो कहते हैं आप अपना नाम लिखते हुए खुद प्रॉपर लिखें, ताकि हमारी तो गलती नहीं, आपने जो नाम दिया हम तो वही एक्सेप्ट करेंगे, बात समझ आई। तो इस तरीके से क्लियर है यहां तक, ये आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कल अब मुझे इसकी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों से। हाँ क्या, तो जितनों को चाहिए पहले तो आप प्रिंट मारोगे आ जाएंगे उतनों के नाम, फिर आपको दो तीन लिस्टें बनानी पड़ेंगी, बिल फर्स्ट अलग अलग तो भेजेंगे ही नहीं ना, अलग तो इनके लिए भी एक्सेल पे डेटा अलग बनता है, जो फेल हुए बच्चे उनका डेटा अलग होता है, एक्सेल दे देता है, अभी हम एक्सेल पढ़ा हुआ नहीं है हम लोगों ने, एक्सेल तो दे देता है, एक्सेल में एक मिनट के अंदर जो फेल बच्चे उनका डेटा अलग, जो पास है उनका डेटा अलग, फेल वालों का डेटा सेलेक्ट करके डिलीट हो गया, सिर्फ इसमें पास वाले, फेल वालों से हमने काम ही नहीं है ना, नहीं तो फेल वालों का उठाओ नई लिस्ट बना के वहां फेंक दो कि नई लिस्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, वन टाइम डेटा आ गया,
आप फेल वालों को अलग कर सकते हो, 80% वालों को अलग, वो तो एक्सेल में कंडीशन लग सकती है, एक्सेल में बहुत काम हो सकता है, ये सारा हम एक्सेल में देख लेंगे, यहाँ पे डेटा इजीली ला सकते हैं। हाँ नहीं, एक्सेल की शीट यहाँ ये कनेक्ट कर सकते हो आप यूज, एक्सेल और वर्ड का अलग अलग काम है, वर्ड हाँ यहाँ शीट जैसे नाम यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं पिक्चर की शक्ल में नहीं आता, पिक्चर में नहीं देता, अब तक मैंने इसमें पिक्चर में डेटा नहीं देखा, यहाँ आओ और नहीं पिक्चर के अंदर डेटा नहीं देता, लिस्ट ही देता है, जस्ट लिस्ट देता है, कस्टमाइज के अंदर भी पिक्चर देता ही नहीं है, ना यहाँ देता है ना वहाँ देता है, अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है पिक्चर, वरना पिक्चर का ऑप्शन होता तो पिक्चर दे देता। ठीक है भाई, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे भाई, प्रैक्टिस करके आओ, ये ना हो मेरा कल दोबारा दिमाग खराब हो, मैं दोबारा चेक करूँगा आपसे ये सारी चीज़ें, अब यही करूँ।